ऊंचे दामों पर खाद्य तेलों में ग्राहकी का सपोर्ट नहीं मिलने से भी बाजार मंदा देखने को मिल रहा है। इंदौर में सोयाबीन तेल 5 रुपए घटकर 1575 से 1580 रुपए, मूंगफली तेल इंदौर 10 रुपए टूटकर 1620 से 1640 रुपए प्रति 10 किलो रह गया। इन दामों पर भी मांग कम रहने से कई प्लांटों द्वारा सोया तेल रिसेल में 1570 रुपए प्रति 10 किलो तक बोला गया। इधर मंडियों में सोयाबीन की आवक भी पिछले दिनों की तुलना में अच्छी देखने को मिली है। व्यापारियों के अनुसार खाद्य तेलों के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि सिर्फ खपत वाली डिमांड देखने को मिल रही है और उसमें भी ज्यादा कीमतें रहने के चलते खाद्य तेलों की खरीदारी में गिरावट आ चुकी है। यही नहीं, ऊंची कीमतों पर स्टॉकिस्ट और व्यापारी भी खरीदारी से बच रहे हैं। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।